ऊपर से मैंने देखा कि विद्याश्रम के सभागार में सब बच्चे जीवन की परिपूर्णता तथा नैतिक शिक्षा के संदेश वाले रसीले रसीले दोहे सुना रहे हैं, तो मैं भी आ गया दोहों की सरिता में डुबकी लगाने। यहाँ पर उपस्थित सर्वजन को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। मैं रहीम हूँ। मेरा जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। मेरा पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। विविध कलाओं में दक्ष होने के कारण अकबर ने मुझे मीर अर्ज का पद दिया। मुसलमान होते हुए भी मैं कृष्ण भक्त था। मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैंने हमेशा समाज का भला चाहा। मैं आपको कुछ दोहे सुना रहा हूँ। रहीम ने धागा प्रेम का मत टोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे काठ पर जाए, रहीमा जुरे काठ पर जाए। इसका मतलब है कि प्यार का नाता नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाए तो इसे फिर से मिलाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। बिकरी बात बनी नहीं लाख करो किने को, रही मैंने बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रही माँ मथे न माखन होय। इसका मतलब है कि इंसान को अपना व्यवहार सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से यदि बात बिगड़ जाए तो उसे सही करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर एक बार दूध खराब हो जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो उसे मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। तो ये थे मेरे दोहे। अब मेरे मित्रों के दोहे भी सुनिए। पहले कबीरदास जी का दोहा। दिन का कब होने जो पावन तेरे हो, कब होड़ी आखिन पड़ी तो पीर खनेरी होय, कबीरा पीर खनेरी होय। इसका मतलब है कि एक छोटे तिनके को छोटा समझकर उसकी निंदा न करो। जब वो पैर के नीचे आता है तो दब जाता है, लेकिन अगर वो आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होती है। लगे हाथ तुलसीदास जी का दोहा भी सुनिए। आवत ही हर शय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाई जहां कंचन बरसे में, ओ तुलसी कंचन बरसे में। इसका मतलब है कि अगर हम किसी के द्वार पर जाए और घर के लोग तुम्हें देखकर प्रसन्न नहीं होते, उनके आंखों में स्वागत का भाव प्यार नहीं होता, तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोने की बारिश ही क्यों ना हो। तो ये थी तान्या विद्याशिल्प से अपने दोहों की प्रस्तुतिकरण के साथ। धन्यवाद।